कहता हूँ मैं कि बापा हमारे घर में एक बालक के बच्चे के रूप में आते हैं और हम समझते हैं कि वो हमारे बेटे हैं। और ये भावना मेरी रही है हमेशा कि जैसे नील के बड़े भाई हैं और विदेश में कहीं पढ़ रहे होते और सिर्फ 10 दिन की छुट्टी पे घर आते तो हमें कितनी खुशी मिलती, तो उतनी खुशी मिलती है हर साल उनके आने से। सारी दुनिया के विधाता हैं, सृष्टि के विधाता हैं, मगर हर एक किसी को ये लगता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है कि जब बापा हमारे घर में आते हैं, गणपति बापा, तो हमें सारी खुशियाँ मिल जाती है। साल भर हम इनके आने का इंतज़ार करते हैं। और 94 में सबसे पहले आए थे तो उस दिन हम समझते हैं वो उनका जन्म हुआ था, उस हिसाब से आज उनके 21 साल पूरे हुए, तो नाउ ही इज़ एन एडल्ट। मगर हाँ, मैं बहुत बहुत खुश होता हूँ और मेरा पूरा परिवार, हम संग 10 दिन कोशिश करते हैं कि कहीं घर से बाहर ना निकले, उनके साथ ही रहें, उनके सन्मुख बैठे रहें। सब बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट पापा ने एक चीज़ आप शायद आपसे कही नहीं कि मेरी बड़ी बहन नेहा और मैं जो हूँ, हम दोनों ने इतनी ज़िद की थी कि हम चाहते थे कि हम अपने घर पे भी गणेश उत्सव मनाएं। और मैंने पापा और मम्मी, हम नेहा और मैंने मम्मी और पापा से कहा कि हम चाहते हैं, तो पहले तो 1.5 दिन से हमने शुरुआत की, फिर 5 दिन आने लगे, वो भी काफ़ी नहीं थे, और अब 10 दिन के लिए घर पे आते हैं तो वो भी काफ़ी नहीं होते। बट 22वां साल है, 21 साल उनकी उम्र हो गई है, मगर 22 साल से हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। और हर साल हमने कोशिश की है कि हमारे साथ साथ इनका भी साइज़ बढ़ते जाए। तो और जैसे आप देख सकते हैं कि मुकेश परिवार में हम खाने के बहुत शौकीन हैं, तो उस हिसाब से उनका साइज़ भी वैसा ही है, ताकि वो लगे कि वो हमारे परिवार को बिलोंग।